हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीएलसी कम एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट यानी कि कास्ट 2019 का पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा वो बायोलॉजी सेक्शन का है ये पेपर। 10th लेवल के लिए जो पेपर लगा था, जो स्टूडेंट्स 10th में थे जिन्होंने इस पेपर को दिया था, तो यहाँ पर 10th का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका नंबर है 28th, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 28th जो क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स आर्क की जब भी हम बात करते हैं तो इसका लिंक होता है रिफ्लेक्स एक्शन से, और रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो एक्शन जो एकदम से जिसे परफॉर्म किया जाता हो, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित वर्ड है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के हमें कंपोनेंट्स यहां पर छांटने हैं या उन्हें यहां से हमें पता लगाना है। तो अगर हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही, रिसेप्टर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली रिसेप्टर से, फिर ये बता रहा है मसल्स, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि रिसेप्टर से सीधे इंफॉर्मेशन मसल तक कैसे जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, किसी ना किसी न्यूरॉन के थ्रू जाएगी, तो न्यूरॉन यहां पर बता नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड पे देखते हैं रिसेप्टर से फिर मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है यहां पर सेंसरी न्यूरॉन, ना कि मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लाने का काम करते हैं ना कि ले जाने का, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन को देखिए, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल सही है, रिसेप्टर्स ने किसी स्टिमुलस को लिया और उसे किसको ट्रांसफर किया, सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन से फिर शो कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, सेंसरी न्यूरॉन बिल्कुल सही बात है, अपनी इंफॉर्मेशन को कहां पे ले गया, स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद इंटर न्यूरॉन इनके बीच में और होता है जहां से वापस इंपल्स किसको जाती है, मोटर न्यूरॉन को, बिल्कुल सही है, मोटर न्यूरॉन दे रखा है, और मोटर न्यूरॉन से फिर किसको जाएगी इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस किसको जाएगा, मसल्स को, कि आप वहां से उस मसल्स को मूव करा लीजिए जहां पर हमारा रिसेप्टर है, इसकी इफेक्टिव मसल्स को यहां पर वापस से इंफॉर्मेशन जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल चीजें एकदम सही साफ हो रही हैं। फोर्थ ऑप्शन में फिर सीधा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड बता दिया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का, जिसमें रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट पूछे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट प्लीज। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का यहां पर डायग्राम यहां पर बना हुआ है, हमें करेक्ट ऑप्शंस जो यहां पर लेबल्ड पार्ट है जैसे कि बी ए सी डी ई, हमें करेक्ट ऑप्शंस छांटने हैं कि वो पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पहले जनरली लिखें कि यहां पर जो पार्ट है बी, ये किसको शो कर रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब को शो कर रहा है, ए किसको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ए शो कर रहा है ओवरी को, लिख भी देते हैं हम यहां पर, ए शो करता है ओवरी को, सी शो कर रहा है यूट्रस को, डी शो कर रहा है यहां पे सर्विक्स को, और ई शो कर रहा है यहां पे वेजाइना को। तो स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था जिसके कुछ लेबल्ड पार्ट्स के बारे में हमें इससे पूछा गया, तो हमने यहां पर उन पार्ट्स को यहां पे टिक किया है, उनके बारे में लिखा है जो पार्ट्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें से हम लोग यहां से सही ऑप्शंस को चेक करेंगे, देख सकते हैं आप लोग ए यहां पर बता रहा है फेलोपियन ट्यूब, बल्कि ए क्या है ओवरी, तो फर्स्ट यहां पर गलत हो जाता है। फिर देख सकते हैं आप लोग ए को क्या बता रहा है, ओवी डक्ट, जो कि वापस गलत हो जाता है, ए क्या है हमारी ओवरी इस डायग्राम के हिसाब से। फिर आप देख सकते हैं ए ओवरी, बिल्कुल सही बात है, बी किसको बता रहा है फेलोपियन ट्यूब, ये भी सही मैच हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं सी किसको बता रहा है यूट्रस को, ये भी सही मैच हो रहा है, डी किसको बता रहा है सर्विक्स को, और ई किसको बता रहा है वेजाइना को। जो पार्ट्स ऑप्शन नंबर थर्ड में बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल इस डायग्राम के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उसे करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सही ऑप्शन यहां पर 1, 2 गलत है, और फोर्थ भी आप गलत देख सकते हैं क्योंकि बी ओविडक्ट बताई गई है, बल्कि बी क्या है फेलोपियन ट्यूब। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा 29th का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछी गई है नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज।
ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हम लोग ब्लड प्रेशर को कर देते हैं वेंट्रिकल्स के काम करने के अनुसार. अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, सिस्टोलिक फेज में है, तो उस दौरान जो आर्टरीज में हमने मेजर किया वो कहलाता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है. तो 120 उसकी एक नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रही हैं और डायस्टॉल कर रही हैं, उस फेज को हम लोग कहते हैं, उस दौरान जो आर्टरीज में हमें ब्लड प्रेशर मिलता है उसे हम लोग कहते हैं डायस्टॉलिक, जिसकी वैल्यू 80 mmHg होती है. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज को यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लियर कट यहाँ पर मेंशन कर रहा है, जिसमें से 120 तो हो गया हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 हो गया हमारा डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. तो सही आंसर इसका हो जाता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. प्लांट्स में कौन सी स्ट्रक्चर वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, हमें वो पता करके बताना है. फ्लोएम यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है. फ्लोएम आपको पता है कि फ्लोएम किसके लिए रिलेटेड होता है. फ्लोएम इज रिलेटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. यहां पर फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम होता है. एपिडर्मिस कवरिंग बनाती है, तो यह भी वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करती. जाइलम स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जाइलम प्लांट टिश्यू है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. यहां पर जाइलम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. इसमें वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों तक. तो 31 का सही आंसर यहां पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 3. कैम्बियम फिर यहां पर गलत हो गया, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट प्लीज. देखिए स्टूडेंट्स हमारे सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 32. इसमें दो कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम्स एक्स और कॉलम्स वाई. कॉलम एक्स में यहां पर कुछ प्लांट के हार्मोन्स दे रखे हैं और कॉलम नंबर वाई में हमारे सामने उनके स्पेसिफिक फंक्शंस दे रखे हैं. हमें सिंपली उनको क्या करना है, मैच करना है. तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें नंबर पी को, पी है यहां पर जिब्रिलिन. जिब्रिलिन जो दिया जाता है वो जनरली ग्रोथ ऑफ स्टेम को इंड्यूस करता है, तो पी का करेक्ट मैचिंग हो जाती है सेकेंड. साइटोकाइनिन, आप देखिए साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल और काइनिन वर्ड का मतलब क्या होता है, फास्ट कराना, यानी कि सेल्स के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कराना या उनकी जो ग्रोथ है, जो सेल डिवीजन है उसे फास्ट कराना. तो जो साइटोकाइनिन होता है वो इंड्यूसेस करता है किसको, सेल डिवीजन को. तो क्यों यहां पर मैच होता है हमारा ऑप्शन नंबर, क्यों मैच होता है थर्ड से. साइटोकाइनिन इज फॉर सेल डिवीजन. एंड एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो ग्रोथ होती है नॉर्मली उसे क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड. तो आर का यहां पर करेक्ट जो बैठता है वो होता है फर्स्ट. तो जिब्रिलिन का बैठेगा ग्रोथ ऑफ स्टेम, साइटोकाइनिन क्या इंड्यूस करेगा, सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एक इनहिबिटरी फंक्शन करता है परफॉर्म, और क्या करता है, ग्रोथ को जनरली इनहिबिट करता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें पी का सेकेंड यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में है, क्यू का थर्ड यहां पर थर्ड ऑप्शन में है, और आर का फर्स्ट भी यहां पर थर्ड ऑप्शन में है. तो इसके अकॉर्डिंग 32 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3. यहां पर फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33. प्लांट ग्रुप मोर सेंसिटिव टू द लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी एयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक पॉल्यूटेंट गैस है, उसके लिए कौन सा प्लांट ग्रुप है जो जनरली सेंसिटिव होता है. एंजियोस्पर्म वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉल्यूशन से उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां पर नहीं है, तो एंजियोस्पर्म होगा नहीं. टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स यहां पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में दे रखे हैं, ये भी प्लांट ग्रुप्स हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड विद द पॉल्यूशन और द एक्सेस लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. बट लाइकेन को अगर आप लोग देखेंगे तो लाइकेन काफी सेंसिटिव होता है किसके प्रति, पॉल्यूशन के प्रति, और पॉल्यूशन में जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड उसके प्रति. तो यदि अगर किसी एरिए में पॉल्यूशन है और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल एक्सेस हैं तो लाइकेन्स वहां ग्रो नहीं करते. पर अगर लाइकेन मतलब अगर यहां पर पॉल्यूशन कम है और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल्स कम है तो लाइकेन ग्रो करेंगे. लाइकेन्स को स्टूडेंट्स हम लोग एज ए कॉमन पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी यूज करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग 33 से क्लियर कट जो सही आंसर यहां पे होता है वो होता है ऑप्शन नंबर
टू यानी कि लाइकेन। 34th जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स से यहां पे पूछा गया है। ए हेट्रोजाइगस स्टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर डॉफ प्लांट देन द प्रोजेनी विल बी। एक हेट्रोजाइगस प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका क्रॉस हम लोग करा रहे हैं एक छोटे एक बोने यानी प्लांट से जिसका है जीनोटाइप दे रखा है यहाँ पे स्मॉल टी, तो प्रोजेनी का यहाँ पे हमें पता लगाना है कि प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या होगा, कितने परसेंट टाल होंगे और कितने परसेंट डॉर्फ होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस करा के देख सकते हैं, ये हमारे सामने हो गया प्लांट ए, ये हमारे सामने हो गया यहाँ पर प्लांट बी। इसका जीनोटाइप जो हमें दे रखा है ये एक हेट्रोजाइगस स्टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बी जो है यहाँ पर प्योर डॉर्फ है तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो गया स्मॉल टी। हम लोग पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं प्रोजेनी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, इनके गैमेट्स को हमने अरेंज करके लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। जब इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यदि हम काउंट करें यहाँ पर आउट ऑफ फोर हमारे सामने यहाँ पर कितनी प्रोजेनीज बनी, फोर प्रोजेनीज बनी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर क्या है टॉल, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट एलील है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में आएंगे तो जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी किसको शो कर रहा है टॉल को, और स्मॉल टी किसको शो कर रहा है ड्वार्फ को। अगर हम लोग नंबर्स काउंट करें तो ये भी कितने बन रहे हैं टू और ये भी कितने बन रहे हैं टू। तो इसके अकॉर्डिंग फोर में से दो तो टॉल है और दो ही क्या है ड्वार्फ है, तो यानी कि 50% तो क्या हो गए टॉल और 50% क्या हो गए ड्वार्फ, जो कि सीधा सीधा हमारे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो इसलिए 34th का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा नंबर टू, 50% आर द टॉल प्लांट्स एंड द 50% आर द ड्वार्फ प्लांट्स। फिर स्टूडेंट्स यहां पर है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 एक सीधा इंफॉर्मेटेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टिश्यू कोकोनट की फाइब्रस कवरिंग में पाया जाता है, यानी कि जो कोकोनट जो है नारियल का जो आप लोग नारियल को देख सकते हैं जो उसका छिलका है उस रीजन में कौन सा टिश्यू है जो पाया जाता है। पेरेन्काइमा इज नॉट फॉर बेसिकली नॉट फाउंड इन द फाइब्रस कवरिंग, पेरेन्काइमा फूड रिलेशन से स्टोरेज फूड स्टोरेज से रिलेटेड हो गया, कॉलेनकाइमा भी नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक तो सेल डिवीजन से रिलेटेड हो जाता है इसलिए मेरिस्टेमेटिक भी नहीं होगा, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और एक डेड जो है फाइबर्स हैं जो इसमें डेड टिश्यू के रूप में आता है वो कौन सा होता है स्क्लेरेन्काइमा हो जाता है। तो जो फाइब्रस कवरिंग है नारियल का जो छिलका है उसकी कवरिंग में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा स्टूडेंट्स, उसकी कवरिंग में पाया जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो सही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर स्टूडेंट्स यहां पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है, ये बात कर रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है कॉजेज द साइक्लिंग ऑफ डैश थ्रू द एनवायरमेंट, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कौन से इनमें से, जो हमारे सामने चार यहां पर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसका वापस से रिसाइक्लिंग करते हैं। आप देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। देन फिर आप लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं उस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके वापस उससे क्या बनाते हैं CO2 बनाते हैं। तो इन सभी में चाहे वो रेस्पिरेशन हो चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो जो चीज कॉमन है वो है कार्बन। तो ये दोनों प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से एलिमेंट के साइक्लिंग के लिए रिसाइक्लिंग के लिए होते हैं, वो होते हैं कार्बन। तो कार्बन की रिसाइक्लिंग इन दोनों प्रोसेस से स्टूडेंट्स होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो जाएगा आप देख सकते हैं वाटर इसलिए नहीं गया क्योंकि वाटर का फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है पर इसका डायरेक्ट रिलेशन यहां पर है नहीं, नाइट्रोजन तो यहां पर इन्वॉल्व होगा नहीं और हाइड्रोजन जो है उसकी रिसाइक्लिंग भी यहां पर नहीं होगी। तो जो ज्यादा करेक्ट है जो मेन आंसर होगा इसका वो होगा कार्बन। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्बन। चलिए यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 37 है, इन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी
स्टैनली मिरर एंड यूरे सेलेक्ट्स विच गैसेस। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने हमारे इवोल्यूशन के बारे में बताया कि हम लोग किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो शुरुआती टाइम पर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो सबसे पहला स्टेप था इवोल्यूशन का, वो था केमिकल इवोल्यूशन। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना शुरू हुआ। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया यहाँ पर दो साइंटिस्ट ने, जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है इवोल्यूशन का, स्टेनली मिलर और यूरे ने। उन्होंने किसी फ्लास्क में तीन गैसेस को लिया, जिसमें से मेजर मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। और इन तीन गैसेस को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसे शॉक दिया, उसे काफ़ी दिनों तक रखा और सारी वो कंडीशंस क्रिएट करी जो प्रिमिटिव अर्थ पर मौजूद थी। फिर वो क्या देखते हैं कुछ दिनों बाद कि उस कंपाउंड में, उस फ्लास्क में क्या इकट्ठे हो गए, उस फ्लास्क में इकट्ठे हो गए अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रूफ करता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनना स्टार्ट हुए थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। तो इसलिए जो इन्होंने सेलेक्ट किया था, किन जिन गैसेस को सेलेक्ट किया था, देखिए फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज की बात कर रहा है, तो प्रिमिटिव स्टेज में ऑक्सीजन नहीं होती। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रिमिटिव स्टेजेस में मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको भी नहीं लिया। तो उन्होंने जिसको लिया, मैंने आपको बताया, जैसे कि मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इन तीन गैसेस को उन्होंने सेलेक्ट किया। और फोर्थ ऑप्शन में फिर से ऑक्सीजन आ गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर जो है 37 का, वो है ऑप्शन नंबर 3। फिर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है। हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ के प्रोडक्शन को बूम किया है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे वीट प्रोडक्शन को बूम किया, हमारे जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की उसे बढ़ाया। इसी तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा गया ऐसे प्रोसेसेस को जब हमने यूज़ किया, डिफरेंट आइडियाज़ हम लोगों ने यूज़ किए साइंटिफिकली, तो जब हम लोग एग के प्रोडक्शन को बढ़ा पाए पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सिल्वर इज स्टैंड फॉर द एग प्रोडक्शन। तो जब एग प्रोडक्शन की रेट को हम लोगों ने इंक्रीज किया, तो वो किस में आता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर यहाँ पर जाएगा एग प्रोडक्शन। ये एक पूरा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम लोग देखें, तो ये इन्वायरमेंटल जो चैप्टर है आपका, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चंस है। इकोसिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तीन ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पर दे रखे हैं। T1 पर है प्रोड्यूसर, T2 पर है कंज्यूमर, T3 पर है सेकेंडरी कंज्यूमर। तीन ट्रॉफिक लेवल्स हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर दे रखा है। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर इफ़ प्रोड्यूसर T1 कैप्चर्स 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर अप टू सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि T3 लेवल। यदि T1 अगर यहां पर कैप्चर करता है 1000 किलो जूल एनर्जी को, तो ये एनर्जी T3 पर कितनी ट्रांसफर होगी। यहां पर जो एक लॉ लगता है, वो उस लॉ का नाम है लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जितना भी एक ट्रॉफिक लेवल पर एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, उसका केवल 10% ही ट्रांसफर होता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रोड्यूसर से 10% निकालते हुए चलना है। देखिए प्रोड्यूसर्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो कितनी थी, किलो जूल। 90% यहां पर रेस्पिरेशन और एक्टिविटीज में खर्च हो गई, और इससे जो प्रोड्यूसर पे फीडिंग किसने करी, कंज्यूमर ने। तो इसका 10% कहां ट्रांसफर हुआ, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर तक कितनी एनर्जी पहुंची, कंज्यूमर तक जो एनर्जी पहुंची वो थी 100 किलो जूल। कंज्यूमर के ऊपर फीडिंग किसने करी, सेकेंडरी कंज्यूमर ने।
वापस से 90% वेस्ट हो गई, तो कंज्यूमर से जो ट्रांसफर हुई वो कितनी हुई, केवल 10%। तो अगर हम इसका 10% निकाल लेंगे तो वापस हमारे सामने यहां पर आंसर आ जाएगा, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 10 किलो जूल। तो यानी कि प्रोड्यूसर ने अगर 1000 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था तो 90% वेस्ट, 10% ट्रांसफर, उसके बाद जो एनर्जी आई उसका फिर हमने 10% ट्रांसफर पे निकाला, क्योंकि लिंडमान का जो नियम है वो हमें बताता है कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर 10% ही ट्रांसफर होती है। तो जब हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करी तो सही आंसर आया 10 किलो जूल। तो जो एनर्जी T3 यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी वो कितनी होगी, 10 किलो जूल। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 10 किलो जूल। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमने किडनी का एक सेक्शन यहाँ पर लिया है, किडनी को हमने देखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे किडनी का आपका बना हुआ है और हमें करेक्ट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बी जो है, ये जो पहले सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आउटर रीजन जो होता है यहां से यहां तक का, ये रीजन हो जाता है कॉर्टेक्स, और इस रीजन को हम लोग यहां से यहां तक वाले को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो किसी भी किडनी का आउटर रीजन जो पेरिफेरल रीजन से वो क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर मोस्ट जो रीजन है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला। मेडुला में अब आप जो, आप लोग जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये पिरामिड शेप की, इन्हें कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड्स। तो सी यहां पे किसको बता रहा है, मेडुलरी पिरामिड्स को, तो सी यहां पे मेडुलरी पिरामिड है। फिर अगर हम लोग बी को देखें तो इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का टिश्यू डीपली यहां पर उतर रहा है, कॉलम की जैसे स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो बी जो है वो बताता है हमारे रीनल कॉलम्स को, इसे हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टेनी भी कहते हैं, रीनल कॉलम्स भी कहते हैं, जब मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का टिश्यू आ जाए। तो बी किसको शो कर रहा है यहां पर, रीनल कॉलम्स को। फिर अगर हम लोग देखें यहां पर स्टूडेंट्स जो ए की बात कर रहा है, ए को अगर हम लोग देखते हैं तो ए हर मेडुलरी पिरामिड्स के नीचे की तरफ की एक स्ट्रक्चर है, फनल शेप। तो ए वो रीजन है जिसमें यूरिन मेडुलरी पिरामिड से कहां पर पहुंचता है, सारी कलेक्टिंग डक्ट्स वहां पे खुलती हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी बनाती हैं, और फिर वो किस में खुलता है, वो कैलेक्स में खुलता है। कैलेक्स के भी दो रीजन होते हैं, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स। तो ये यहां पर किसको शो कर रहा है, जो ए वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं यहां पर, ये ए इस तरीके से बनाया हुआ है, ये जो रीजन है उसे ए शो करता है यहां पर कैलेक्स को। फिर डी की बात करें तो यहां से सभी, इसके बाद फिर यहां पर पेल्विस में सारे कैलेक्स ओपन हो रहे हैं, फिर इस पेल्विस, रीनल पेल्विस वाले रीजन से जो स्ट्रक्चर यूरिन को कलेक्ट करके वापस यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेकर के चलती है उसे यूरेटर कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारी स्ट्रक्चर है डी, वो किसे शो कर रही है, वो शो कर रही है यूरेटर को। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर अब हमें चूज करना है, स्टार्ट करते हैं ए। ए किसको शो कर रहा है, कैलेक्स को, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। बी रीनल कॉलम, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सी की बात करें, मेडुलरी पिरामिड भी है और डी यूरेटर भी है। फर्स्ट ऑप्शन में इस तरीके की कोई भी स्ट्रक्चर्स मैच नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 इनके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।